माय नेम इज नवीन। मैंने कई जगह देखा है अभी यूट्यूब तक कि लोग अपना आईपैड इंस्टॉल करते हैं अपनी कार में, लेकिन वो काफी कॉस्टली होता है। तो आपके पास कोई भी आईपैड आईपैड हो या आपके पास कोई भी टैब हो नॉर्मल, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले तो ये वीडियो देखो, आपको कैसा लग रहा है बताओ। कहीं से आपको पता लग रहा है कि ये एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन है, ये आई थिंक गाड़ी का इन्फोटेनमेंट पार्ट लग रहा है एक तरह से, सो यू कैन चेक। लेट मी प्ले सम म्यूजिक। एक्चुअली ये मेरा सोनी का सिस्टम है एंड ये वाया ब्लूटूथ कनेक्टेड है, और इसमें एक एप्लीकेशन भी है जो आपको एक्सेस देती है मल्टीपल फीचर यूज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन इसमें ऐड कर सकता हूँ, ये FM के लिए, CD ड्राइव, USB, तो मैं सारा कुछ यहाँ से नेविगेट कर सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा एक्सटर्नल सिस्टम मुझे एक्सेस करना पड़े। काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। तो 1 मिनट, लेट मी शो यू। तो गाइस देख लो, ये इसके पीछे मेरा सिस्टम लगा हुआ है, तो एंड ये कनेक्टेड है। ये एक्चुअली में एक आईपैड का केस है जो मैंने इसको फिट किया हुआ है। तो मैंने कैसे फिट किया हुआ है इसको निकाल के मैं अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। तो पहले आप ये देखो कि मैंने इसको, ये लगता कैसा है आपको इंस्टॉल होने के बाद। एक्चुअली जस्ट आई कैन रिमूव इट एंड आई कैन गेट इंस्टॉल अगेन। लो, हो गया फिट। एंड सो एक्चुअली ये मेरी गाड़ी से कनेक्टेड है, ये ऑलवेज ऑन रहता है। इसमें ऑप्शन भी है, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो कि कितने टाइम तक आपको इसमें ऑनलाइन रखना है, मीन्स स्क्रीन ऑन रखना है। स्क्रीन ऑन का भी ऑप्शन होता है, यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। जैसे मैं गाड़ी ऑन करता हूँ ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है एंड इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू माई ब्लूटूथ। दिस इज द फन। अगर गाइज आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या कनेक्ट करना है, तो मैं इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए इसके लिए। जो है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, आपको मैं A to Z बताऊंगा। आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा, आप खुद ही कर सकते हैं। इसको मैंने खुद ही इंस्टॉल किया था, तो मुझे कुछ किसी मैकेनिक या कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी।